नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच, स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में। जानने के लिए नवंबर 28 का खास पाठ, वर्ल्ड कंपैशन डे या विश्व करुणा दिवस अहिंसा और करुणा पर आधारित एक विचार है। भारत इस पहल को चलाने वाला पहला देश है। इस तथ्य को देखते हुए कि यह हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन और सिख धर्म जैसे धर्मों का मिश्रण रहा है, ये सभी करुणा और अहिंसा के आदर्शों के लिए प्रतिबद्ध हैं। WCD की स्थापना 2012 में एक भारतीय कवि, पत्रकार, फिल्म निर्माता, मीडिया और टेलीविजन व्यक्तित्व राजनीतिज्ञ प्रीतीश नंदी द्वारा की गई थी और इसका आयोजन प्रीतीश नंदी कम्युनिकेशन द्वारा किया गया है। प्रीतीश नंदी कहते हैं, जब तक हम अहिंसा में विश्वास नहीं करते, हम दुनिया को भावी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर जगह नहीं बना सकते। पहला वर्ल्ड कंपैशन डे 28 नवंबर 2012 को 14वें दलाई लामा की उपस्थिति में मुंबई, भारत में आयोजित किया गया था। इसमें जानवरों और सभी जीवित चीजों के प्रति करुणा की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यह भारत में ह्यूमन सोसाइटीज इंटरनेशनल नामक संगठन लेकर आया, जो पशु कल्याण के क्षेत्र में काम करता है। विश्व करुणा दिवस के बारे में बोलते हुए दलाई लामा कहते हैं, आज न केवल राष्ट्र से राष्ट्र और मानव से मानव तक, बल्कि मानव से जीवन के अन्य रूपों में भी जीवन को सार्वभौमिक जिम्मेदारी की भावना से चित्रित किया जाना चाहिए। करुणा के तीन पहलू होते हैं, ध्यान देना, महसूस करना और प्रतिक्रिया देना। करुणा एक सामाजिक भावना है जो लोगों को दूसरों और स्वयं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दर्द को समझने और राहत पाने के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन करुणा सहानुभूति नहीं है। सहानुभूति दूसरों की पीड़ा पर दुख और चिंता के साथ प्रतिक्रिया करती है, जबकि करुणा देखभाल के साथ प्रतिक्रिया करती है। और अंत में, क्या आप जानते हैं, 28 नवंबर 1814 को पहली बार भाप से चलने वाली स्वचालित प्रिंटिंग प्रेस चालू की गई थी और 28 नवंबर 1996 को कैप्टन इंद्राणी सिंह एयरबस A300 विमान की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी थी।